बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं। ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है, तो शुरू करते हैं। पिछली बहुत सारी वीडियोस में हमने देख लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस कर लिया। हमें बहुत सारी बातें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता लगी। अब उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक बात थी वो ये थी कि उसको वाइब्रेटरी मोशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब उस वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम, या वाइब्रेटरी मोशन को हम वाइब्रेशन भी बोल देते हैं, तो उस वाइब्रेशन का जो दूसरा टर्म के की जो दूसरी टर्म यूज़ होती है वाइब्रेशन वर्ड के लिए, वो क्या है? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशंस कह लें या वाइब्रेशंस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ऑसिलेशंस में जब आते हैं, तो अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि ऑसिलेशंस की जो दो टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं। एक है डैम्ड ऑसिलेशंस, एक है अनडैम्ड ऑसिलेशंस। मोटे लफ्ज़ों में डैम्ड ऑसिलेशंस मतलब ऑसिलेशन यानी कि जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है किसी भी बॉडी का, आगे पीछे का मूवमेंट अबाउट इट्स मेन पोजिशन, ठीक है। तो वो अगर बगैर किसी हिंड्रेंस के अगर वो कंटिन्यूड रहता है विद इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद इट्स एम्पलीट्यूड, तो हम कहते हैं कि वो अनडैम्ड ऑसिलेशन हो रहा है, यानी कि वो इट कंटिन्यूज टू वाइब्रेट, इट कंटिन्यूज टू ऑसिलेट एंड नेवर स्टॉप्स एंड कंटिन्यूज टू ऑसिलेट विद द सेम एम्पलीट्यूड एज इट इज़ शोन हियर इन द डायग्राम। या आप कोई पेंडुलम ले लें, जैसे ये मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इस पर कोई वेट लगा दूँ तो ये एक पेंडुलम ही है, सस्पेंड कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने अगर ऐसे एक फोर्स लगा के छोड़ दिया तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और ये अगर कंटिन्यू रहता है एक ही एम्पलीट्यूड पे तो हम कहेंगे कि ये अनडैम्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। और डैम्ड ऑसिलेशन क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ एक एक्सट्रीम पर और फिर छोड़ दूँ, तो ये अगर कंटिन्यू करता है और थोड़ी देर में ये वाइब्रेट होते होते ये इट कम्स टू अ स्टॉप, देन वी से दैट इट इज़ द डैम्ड ऑसिलेशन। जी, तो मैंने अभी बताया आपको कि अनडैम्ड वो जिसमें ऑसिलेशंस कंटिन्यूसली इनडेफिनेट टाइम के लिए चलती जाए, और डैम्ड वो जिसमें ऑसिलेशंस दे डू नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, ठीक है। तो अगर हम इनके कंपैरिजन में यहाँ पर पॉइंट्स लिखें अनडैम्ड के कंपैरिजन में डैम्ड के, तो वो क्या पॉइंट्स बनेंगे? सबसे पहले अनडैम्ड में एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जबकि डैम्ड ऑसिलेशंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। वो रेजिस्टिव फोर्स कोई भी हो सकती है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, अब अगर हवा में कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो एयर का रेजिस्टिव फोर्स होगा, और अगर किसी सरफेस पे बॉडी टच करती थी, स्लाइड करती थी, ऑसिलेट कर रही है, तो वहाँ पे दोनों सरफेसेस के, इस बॉडी के और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा बिटवीन द बॉडीज, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द बॉडी टू अ हॉल्ट, ठीक है, वाइल वाइब्रेटिंग। तो ये रेजिस्टिव फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्प ऑसिलेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो अनडैम्प ऑसिलेशन है इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अंडर रेस्टोरिंग फोर्स, जबकि जो डैम्प ऑसिलेशन है इट डज नॉट कंटिन्यू, इट डज नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलते रहते, इनडेफिनेटली अंडर रेजिस्टिव फोर्स एफआर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये अनडैम्ड ऑसिलेशंस आर फाउंड इन आइडियल सिस्टम्स, लेकिन डैम्ड ऑसिलेशंस आर फाउंड इन प्रैक्टिकल सिस्टम्स, ऑल द प्रैक्टिकल सिस्टम्स, ऑल द डेली लाइफ एग्जांपल्स आर रिलेटेड विद द डैम्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशंस, लेकिन डैम्ड ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड जो है दैट रिड्यूसेस, एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस। एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस क्या है? एम्पलीट्यूड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर एक हम पेंडुलम ले लें और उसका वाइब्रेशन ले लें दोनों तरफ अबाउट इट्स मेन पोजिशन, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, और दरमियान में अगर कहीं यहाँ पहुँचा है किसी मोमेंट पे पेंडुलम या दैट वाइब्रेटिंग बॉडी,
यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी उसको हम कहेंगे दरमियान में कि ये डिस्प्लेसमेंट है खाली, ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई होगी तो हम उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे अंडर ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है ये सेम है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, इट इज नॉट सेम हियर इन द केस ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। इसकी अगर हम इलस्ट्रेशन ड्रॉ करते हैं या इसकी तरह जो हमने अनडैम्ड में की है तो इलस्ट्रेशन वुड बी लाइक दिस कि ये आप ग्राफ लेते हैं, ये मेन पोजीशन है ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और ये अगर एम्पलीट्यूड है तो ये देखें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लेकिन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इन बिटवीन बिकम्स जीरो। और यहाँ पर यू सी कि क्या प्लॉट हुआ हुआ है ऑन द वाई एक्सिस, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ड्रॉन हियर एंड हियर इट इज़ द टाइम drawn on the x-axis and amplitude continues to decrease. So what is this which is responsible for reducing the amplitude? It is this resistive force or that which is the frictional force or friction hum keh le responsible hai for the reduction for the reducing of the amplitude in a damped oscillation, theek hai, or in a body which is having damped oscillation. और ये जो डैम्पिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स जो है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है कि जब एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इट रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एंड बोथ ऑफ दीज आर मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन जो है एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन खत्म होती जा रही है और बॉडी रुक रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर की मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो दैट हैपन्स इन द योर डैम्ड ऑसिलेशन। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ये बहुत सारी हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमें प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हर जगह मिलती हैं। अनडैम्ड की एग्जाम्पल्स की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि अनडैम्ड जो है ये दिस अकर ओनली इन द आइडियल सिस्टम्स, और आइडियल सिस्टम्स आर नॉट परसीव्ड ऑन आवर अर्थ, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें हमेशा डैम्ड ऑसिलेशन होती हैं, तो जैसे कि नंबर वन एग्जाम्पल आप ले लें स्विंग, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमें पता भी है कि झूला ले लें, झूले को अगर आप देखें तो वो रुका हुआ है, ठीक है, यानी पीक लिविंग पोजिशन में, थोड़ा सा उसको आप छेड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इट स्टार्ट स्विंगिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू अ स्टॉप। तो दैट मीन्स कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, डैम्पिंग हो गई उसके ऑसिलेशन, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसी तरह आपका पेंडुलम क्लॉक हो गई, जो आपने देखी होंगी अपने ग्रैंडफादर के बेडरूम में टंगी हुई पेंडुलम क्लॉक्स, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल आप ले लें क्रेडल, बच्चों का क्रेडल जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, क्रेडल इज ऑफ दिस शेप, बच्चा इसमें सोता है, ठीक है। तो इस ये क्रेडल की कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं तो क्रेडल जो है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, यानी कि नीचे आ गया, और फिर वो क्रॉस करके जैसे छोड़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो ये फिर इसके बाद यहाँ चले जाते हैं, यानी कि मीन पोजीशन से, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, इस तरह से मीन पोजीशन इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे चला गया लाइक दिस, ठीक है, ये वाली पोजीशन हो गई। और फिर जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन क्रॉस करके दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है तो दूसरी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन होने लगता है। तो दैट मीन्स कि क्रेडल में ये वाइब्रेटरी मोशन इज टेकिंग प्लेस और ये थोड़ी देर में इट कम्स टू स्टॉप, तो दैट मीन्स अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और इसी तरह एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज शॉक एब्जॉर्ब, ठीक है, मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगी शॉक एब्जॉर्बर को, क्योंकि यहाँ पे बुक में डिस्कस हुआ हुआ है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, इतनी सारी और बहुत एग्जाम्पल्स हैं, कोई आपके दिमाग में आता हो तो आप जो आपको डाउट हो रहा हो कि ये वाइब्रेटरी मोशन है कि नहीं है, या ये डैम्ड ऑसिलेशन है कि नहीं, या ये अनडैम्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए ज़रूर, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या चीज़ है कि जब गाड़ी चल रही हो और रास्ते में कोई हम्प आ जाए
तो गाड़ी को उसके ऊपर से तेजी से स्पीड से जा रही है और उस हम पे से गुजरती है, तो उस पे एकदम से एक जर्क लगती है गाड़ी को, ठीक है, शॉक लगता है। तो अगर वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर ना हो, शॉक को एब्जॉर्ब करने की कोई डिवाइस ना लगी हो, तो वो झटका पैसेंजर्स को ना को गिना गुजर सकता है, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और हमारी जो व्हीकल की राइड है दैट वुड नॉट बी स्मूथ, ठीक है। तो हम उस राइड को, कार राइड को, उस व्हीकल राइड को स्मूथ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब शॉक एब्जॉर्बर जो है, यानी कि राइड को स्मूथ करने का मतलब है कि हम जो ऑसिलेशन जो एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ हो रही थी उसको वी वांट टू डैम्प इट, ताकि हमारी राइड वाइब्रेशन के बगैर हो, यानी कि डैम्पिंग हो और स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यह मैं डायग्राम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक ब्लॉक डायग्राम सा बनाऊंगी कि इफ़ दिस इज़ द बॉडी ऑफ अ कार और सम व्हीकल और इससे पिस्टन इज अटैच हियर, ठीक है, विच इज़ बीइंग डिप्ड इन अ सिलेंडर विच इज फिल्ड विद अ थिक लिक्विड, यू कैन कॉल इट एज ऑयल हियर, वी कैन यूज ऑयल हियर, ठीक है। और व्हाट हैपेंस कि जब कार किसी हम पे गुजर रही है और उसको जर्क लगी, तो ये कार की बॉडी ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगती है। तो जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वही वाइब्रेशन विल बी ट्रांसफर टू द पिस्टन, ठीक है, पिस्टन भी ट्रांसफर होगी और पिस्टन भी फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये जो विस्कस लिक्विड है इट विल एब्जॉर्ब दोज वाइब्रेशनल मोशंस, ठीक है, ऑफ द कार बॉडी एंड दोज वाइब्रेशंस विल बी एब्जॉर्ब बाय द ऑयल, दैट थिक ऑयल, एंड दे विल बी कन्वर्टेड, दिस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द कार बॉडी विल बी कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल, ठीक है, और इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी और वाइब्रेशन मोशन जो है वो इट विल बी रिड्यूस डाउन। तो हम कहते हैं कि शॉक जो एक लगा था इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन दैट इज बीन एब्जॉर्ब बाई दिस थिक ऑयल, ठीक है, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी हियर। तो इन दिस वे शॉक एब्जॉर्बर इज बीन यूज्ड इन व्हीकल्स एंड मेक योर राइड स्मूथ, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस वर्क एंड दैट इज वेरी वी कैन हैव गुड यूजेज ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन अवर डेली लाइफ। तो यहाँ हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं कि ऑसिलेशंस दो तरह की होती हैं और ये सारा मैंने आपके साथ रिपोर्ट कर दिया है। सो दैट इज़ ऑल हियर, उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं वीडियो थोड़ा डिस्कस कर लूँगी और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से ज़रूर कहें कि वो भी शेयर करें, तो उनके साथ शेयर करें, देखें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।